अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए वेरी इजी रेसिपी लेके आई हूँ। इसको हम बाल्टी कुकिंग सॉस में बनाएंगे। लैम्ब चॉप्स की रेसिपी है। मैंने ऑयल को डाल दिया है गर्म होने के लिए, और ये जो कुकिंग सॉस मैंने बाल्टी की बताई थी ये ऑलरेडी बनी हुई है। आपने इसमें सारा टमाटर वगैरह प्याज वगैरह सब कुछ ऐड होता है, बस आपने इसको ऑयल में डालना है। इस तरीके से मैंने इसे डाल दिया है ऑयल में और साथ साथ घुमा रही हूँ। मैंने साथ ही अपने स्पाइसेस डाल दिए हैं। किसी से 1-2 मिनट ही लगते हैं गर्म होने में। आप अपनी मर्ज़ी के जो आप घर में मसाले हैं वो यूज़ कर लीजिए। और मैं थोड़ा सा ब्लैक सीड ऑयल भी डालती हूँ। ये बहुत हेल्दी होता है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। कोई भी गरम मसाला, रेड चिली, सॉल्ट, इस तरह का भी मसाला आप यूज़ करते हैं करें। मेरे पास लैम चॉप्स का मीट है, इसको मैंने डिफ्रॉस्ट कर दिया था। देखिए ये कम्प्लीटली डिफ्रॉस्ट हो चुका है और इस तरीके से ये मैं निकाल चुकी थी और अब मैं इसको डालूँगी हांडी के अंदर। साथ ही मैंने अपनी कैंडल भी जलाई होती है कुकिंग के लिए, और यही बाल्टी सॉस है। और ये देखिए मेरे मसाला वो ऑलमोस्ट रेडी है। इसके अंदर मैं सारा मीट डालूँगी। मीट डाल के आप इसको हला लीजिए। इसको भून लीजिए, अब हला लीजिए। कुछ लोग पहले भूनना पसंद करते हैं, कुछ लोग बाद में भूनना पसंद करते हैं। मैं 4-5 मिनट इसको भून रही हूँ। फर्स्ट मैंने, क्योंकि ये फ्रीजर से निकाला है और मेड श्योर की सारी बोटियाँ लादा लादा है। मेरे पास रेसिपीज हैं डिफ्रॉस्ट किए हुए मीट की भी, और डायरेक्ट फ्रीजर से निकाल के मीट को कैसे कुक किया जाए वो रेसिपी भी। इस तरीके से आप सारा हिला लीजिए। मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी साथ कोरिएंडर भी डाल देती हूँ ताकि उसकी कुकिंग करते टाइम स्मेल भी नाइस आए और वो भूनने में उसकी फ्रेग्रेंस चली जाए। इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से हिला लीजिए, भून लीजिए। कस मसाला मैंने रेडीमेड यूज़ किया था तो इसको बनाना मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया है। थोड़ा सा मैंने भी रियलाइज़ किया है कि मेरे पास दूसरा मीट भी इसमें ऐड है, बट अगर आपके पास सारे लैम चॉप्स हैं, बीच में मेरे पास कुछ लैम चॉप्स हैं इसमें, तो अब सारे इसी तरीके से बिल्कुल सेम स्टाइल ही मैं यूज़ करूँगी बनाने के लिए, और इस तरीके से इंजॉय करके। और मेरी डिशेज मोस्टली रेसिपीज़ है इजी कुकिंग के बारे में। और मैंने इसको हला लिया है भूनने के लिए। मैंने थोड़ा सा योगर्ट भी इसमें ऐड किया है। 2-3 स्पून आपके लिए काफ़ी है अगर आपके पास है। मैं अपनी कुकिंग में ये बात हमेशा करती हूँ, ओनली यूज़ अगर आपके पास किसी रेसिपी को बनाने के लिए कोई एक इंग्रेडिएंट लाइक इस तरह के जो बहुत नेसेसरी नहीं होते, उसके बगैर भी हांडीज बन जाती हैं, तो आप बेशक बना लीजिए। बहुत फस नहीं करने की ज़रूरत कि अगर योगर्ट नहीं है तो मैं ये हांडी या मैं ये रेसिपी फॉलो नहीं कर सकते। इस तरीके से मैंने योगर्ट था मेरे पास तो मैंने 2-3 स्पून डाल के उसको भी मिक्स कर लिया है। ये देखिए मेरा मीट काफ़ी भूनने गया है इधर। इधर जब आपको लगे 10-15 मिनट भूनने के बाद कि आपका मीट अच्छे से भूनने गया और नीचे लग रहा है, आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। मैंने पानी ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि मैंने बॉईल नहीं किया था अपना मीट, जस्ट उसको किसी डिफ्रॉस्ट किया हुआ था, तो मैंने इसको भून लिया है पहले। और अब इस तरीके से मैंने पानी डाल दिया है और मैं देख रही हूँ कि सारा मीट उसके अंदर चला जाए और जो जो मसाला आया नीचे लग रहा था वो नीचे ही ना लगा रहे बल्कि वाटर में सारा हो जाए। इसको मैंने तकरीबन पकने के लिए रखा है 30 मिनट्स, और अब मैं हला के देख रही हूँ कि ये कहाँ तक पहुँचा है। मैं इसको बीच में आलू भी डालूंगी क्योंकि अब इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं हो चाहिए, तो अब आखिर में, क्योंकि अगर मैं पहले ही डाल देती तो आलू बहुत ज़्यादा
बॉईल हो जाते, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। और ये देखिए मैंने 15 मिनट और रखा है इसको। इस तरीके से ये मेरी बिल्कुल बन के तैयार है। बहुत सॉफ्ट और बहुत नाइस और बहुत इजी रेसिपी है। और ये देखिए गाइस, मैं आपको नाइफ से दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट है। देखिए मीट बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। और ये वेरी नाइस रेसिपी है, आप इसे गार्निश कर लीजिए कोरिएंडर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू फॉलो प्लीज़, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स, बाय।